नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ पाठ 2 पढ़ रहे थे। बच्चों, आज हम पाठ 2 की बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर करेंगे, परंतु इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि इस कोरोना महामारी के चलते घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करिए। अपनी बुक, नोटबुक, अपनी पुस्तक पुस्तिकाओं को कवर करके, नेम स्लिप लगाकर, क्लास सेक्शन नेम इत्यादि डालकर अच्छे से सुरक्षित रखिएगा और अपने माता पिता की बात मानिए। दूसरी बात, मैं आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है, कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दीजिए, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम बुक एक्सरसाइज पार्ट 2 वर्ण विचार। इसमें बच्चों पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो ये ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, विकल्पीय प्रश्न हैं, इनमें ऑप्शन दिए गए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर क, य, र, ल, व कौन से व्यंजन हैं? ऑप्शन है ऊष्म, संयुक्त, अंतस्थ। तो इसका सही उत्तर है अंतस्थ। ख, श, स, स, ह कौन से व्यंजन हैं? ऊष्म, संयुक्त या अंतस्थ? तो इसका सही उत्तर है ऊष्म। प्रश्न नंबर ग, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ, तालु या मूर्धा? तो इसका सही उत्तर है कंठ। प्रश्न नंबर घ, जो वर्ण मुख से बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह? इसका सही उत्तर है स्वर। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। सही गलत के इनके करने हैं आपको। प्रश्न नंबर क है इसका, भाषा का वह छोटे से छोटा ध्वनि प्रतीक जिसे और अधिक सार्थक ध्वनि प्रतीकों में न तोड़ा जा सके, वर्ण कहलाता है। तो बच्चों, ये भाषा के छोटे से यानी वर्ण की परिभाषा है। ये भाषा का वह छोटे से छोटे ध्वनि प्रतीक जिसे और अधिक सार्थक ध्वनि प्रतीकों में न तोड़ा जा सके, वर्ण कहलाता है। ये सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर ख, वर्णों के समूह को वर्ण विक्षेद कहते हैं। ये गलत है, ये वाला हमारा गलत है। इसके बाद अगला है, ग, चंद्र बिंदु अनुस्वार का बोध कराता है। ये भी गलत है। इसके बाद अगला है, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के सहायता से किया जाता है। ये सही है, क्योंकि व्यंजनों को स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। अब आता है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विक्षेद कीजिए। बच्चों, ये 3 शब्द में दिए गए हैं, इनका वर्ण विक्षेद करना है। पहला है विनायक, तो व प्लस ई प्लस न प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस क प्लस अ। बच्चों, जिनके नीचे हलंत लगे हुए हैं अर्थात वो व्यंजन हैं, और जिनके नीचे हलंत नहीं लगे हुए वो स्वर हैं। अगला है चतुर्भुज, च प्लस अ प्लस त प्लस उ प्लस र प्लस भ प्लस उ प्लस ज प्लस अ। ये चतुर्भुज। महाभारत, म प्लस आ म प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस भ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ। तो ये हो गया महाभारत। अब अगला है प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये ध्वनियाँ दी गई हैं, इनको जोड़कर शब्द बनाने हैं। प प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस ड प्लस अ, पहाड़। प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ, पुस्तक। उ प्लस त प्लस प प्लस अ प्लस त प्लस त प्लस ई, उत्पत्ति। अब आता है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए वर्णों के संयोग से बनने वाला एक एक शब्द लिखिए। ट और र, इनसे क्या बनता? ट्रक, ट्रक। तो ट्र से ट्रक। ज और य, इनसे क्या बनता है? ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी। श और र मिलाकर क्या बनता है? स्र। तो यह हो गया श्रमिक। स और र, इससे बनता है स्रोत। क और श, इससे बनता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय।
पत्ता और र त्रिशूल तो पत्र। अब प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब बच्चों हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों प्रश्न नंबर क, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और सार्थक खंडों में न तोड़ा जा सके वर्ण कहलाती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। इसका उत्तर है बच्चों, हिंदी में कुल 33 मूल व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और स्र और अन्य व्यंजन ळ और ढ को मिलाकर हिंदी में 39 यानी 39 व्यंजन होते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न, ग हर्ष स्वर कितने होते हैं लिखिए। प्रश्न नंबर ग, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और ऋषि। ठीक है बच्चों, अगला है प्रश्न नंबर घ, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और हलंत क्या होते हैं, उदाहरण देते हुए बताइए। तो ये प्रश्न नंबर घ का उत्तर, पहले है इसमें अनुस्वार। अनुस्वार पूछा गया है तो अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। अंक की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे एक बिंदु लगता है, जैसे अंक, जंग, पंक, शंख, मयंक आदि। अब आता है विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं, पीछे 2 बिंदु जो लगते हैं। अंग की मात्रा यानी ये 2 बिंदु विसर्ग कहलाते हैं, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, दुख आदि। अगला आता है बच्चों अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं, मुख और नाक से बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक की मात्रा को चंद्रबिंदु कहते हैं। चंद्रबिंदु कैसे कहते हैं, जो इस तरह से मात्रा लगाई जाती है, ये जो मात्रा लगी हुई है इस तरह से ऐसे मात्रा लगाते हैं, इसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं। जैसे आँख, पाँव, चांद, गाँव, हंसी आदि। अब आता है हलंत। हलंत क्या होता है बच्चों, स्वर रहित व्यंजन में हल यानी नीचे जो हल्की सी लाइन खींची जाती है का चिन्ह लगाया जाता है, इसी को हलंत कहते हैं। जैसे उद्धार, महान, भट्टी, प्रसिद्ध आदि। अर्थात इनके सबके नीचे जो हलंत का निशान लगा हुआ है ये व्यंजन है और बिना स्वर के बोले जा रहे हैं। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 9, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब यहाँ व्यंजनों के प्रकार पूछे गए हैं, उनके उदाहरण पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 9, इसका उत्तर, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान की भिन्नता के आधार पर निश्वास, वायु, मुख से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ से स्पर्श करके निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इनका उच्चारण मुख के भीतर की ओर होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। अब आता है बच्चों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, इनके उच्चारण में निश्वास, वायु, घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है,
अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी चार होते हैं, श, स, स और ह। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को कार्य बड़ी सफाई से, स्वच्छता से करना है। अब बच्चों इसके बाद आती है ये बुक एक्सरसाइज। नीचे दिए गए चित्रों में जिसे तीर से निर्देशित किया गया है उसे पहचान कर वर्ण विक्षित कीजिए। आपको बुक में ही करनी है। तो पहला है इसमें अध्यापिका, या अध्यापिका को किया गया है। इसके बाद है विद्यार्थी, ये है बर्फ और ये है पहाड़। तो बच्चों इस तरह से इनका भी वर्ण विक्षित आप लोगों करना है। अ प्लस ध प्लस य प्लस आ प्लस प प्लस ई प्लस क प्लस अ, अध्यापिका। व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस र प्लस थ प्लस ई, विद्यार्थी। व प्लस अ प्लस र प्लस फ प्लस अ, बर्फ। प प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस ड प्लस अ, पहाड़। तो बच्चों आप घर पर ही रहेंगे, घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करेंगे, और जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस को विद्यालय में जमा करा दीजिए। अपने कार्य को करते रहिए। धन्यवाद।